बात करें यहाँ से अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर बाद देख रहे हैं 6550 पर ट्रेड करता नजर आ रहे हैं और 6565 का हाई लगा चुका है। 2.5% की तेजी सोयाबीन के अंदर बनती नजर आ रही है। कल के कारोबारी सत्र में हमने शाम में सोयाबीन को भी लाल निशान पर ट्रेड होते हुए देखा था, लेकिन आज सुबह के कारोबारी सत्र में जब सोयाबीन वायदा बाजार खुला तो वो अकेली ऐसी कमोडिटी सोयाबीन जो सबसे ज़्यादा तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही थी अपने कल वाले लेवल्स के मुकाबले। वहीं पर आज शाम में भी देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सुबह के सत्र के मुकाबले शाम के कारोबारी सत्र में सोयाबीन की कीमतों में 2.5% की तेजी बनती नजर आ रही है। सोयाबीन शाम में और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन की कीमतों में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, हालांकि मंडियों में अब इसकी खरीदारी पर कुछ असर पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है क्योंकि कीमतें ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिली थी, सोयाबीन की कीमतें काफ़ी ऊंची देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से किसान ऊपरी स्तर पर इसे बिकवाली करने के लिए भी मंडियों में लेकर आए। कुछ किसान स्टॉक करके रख रहे हैं, कुछ किसान जो अब ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, जो इतने सक्षम नहीं है, वो मंडियों में सोयाबीन को ऊपरी स्तर पर बिकवाली करने के लिए लेकर आ रहे थे, बेचने के लिए लेकर आ रहे थे, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन की आवकों में इजाफा देखने को मिला और कीमतों में थोड़ी नरमी आई। दूसरा, कीमतों में नरमी का कारण ओमिक्रॉन है, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है। जब भी किसानों के साथ कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आता है, स्पेशली सोयाबीन किसानों के साथ, तब कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता है कि उनको जो कीमतें कुछ सुधर कर मिलनी शुरू होती हैं वो कहीं ना कहीं कम होती नज़र आती हैं, और ओमिक्रॉन अब इसी का काम कर रहा है सोयाबीन किसानों के लिए। ओमिक्रॉन के आने की वजह से मंडियों में सोयाबीन की जो खरीद फरोख्त है वो थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। हर कोई बच रहा है, हर कोई पैसे बचाना चाह रहा है, क्योंकि अगर लॉकडाउन वाली स्थिति रही तो कारोबार तो ठप रहेगा, तो फिर सोयाबीन खरीद कर भी क्या ही करेंगे। लेकिन कुछ प्लांटों ने ऊपरी स्तरों पर भी सोयाबीन की खरीद फरोख्त की है, क्योंकि उन्हें अपने प्लांट चालू रखने हैं, उनके प्लांटों में सोयाबीन का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए ऊपरी स्तरों पर कुछ प्लांटों ने खरीद भी की है। और जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, वो अभी भी सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी ही बता रहे हैं कि कोरोना का चाहे नया वेरिएंट आ जाए तब भी सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का ही रुझान बना रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और लेकिन सोयाबीन में ख़रीदारी करनी है और ये बिकवाली करनी है, ये पूरा या फिर होल्ड करके चलना है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ किसानों का रहेगा। अगर उनको लगता है कि उनकी लागत इन स्तरों पर निकल रही है और वो बिकवाली करना चाहते हैं अपनी सोयाबीन का आगे ओमिक्रॉन को देखते हुए, तो ये किसानों का ही फैसला होगा, ये भी एक्सपर्ट्स का कहना है। ये एक्सपर्ट्स ने स्पेशली एड ऑन किया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन ज़्यादा समय तक बढ़ता है तो हम देखते हैं कि किसानों से तो कम पैसों में कमोडिटी खरीद ली जाती है, फसलें खरीद ली जाती हैं, लेकिन उन्हें आगे महंगे दाम पर बेचा जाता है, इसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा किसानों का ही निर्णय होगा कि उन्हें अब क्या करना है, क्या वो स्टॉक करके रखना चाहते हैं या फिर अभी बिकवाली करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा जो डिसीजन रहेगा वो किसानों का ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल रुझान सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का ही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर हमने सोयाबीन की फसलें खराब होते हुए देखी हैं, मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन की फसलें बड़े पैमाने पर खराब हुई हैं, भारी बारिश ने सोयाबीन की फसलों को तबाह किया है, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो फसल है इस बार भी दागी होती हुई नज़र आई है। और जो सोपा ने जो आंकड़ा दिया था कि सोयाबीन का उत्पादन लगभग 119 लाख टन रह सकता है, उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी होती बनती नज़र आ सकती है। उत्पादन किसानों को भी पता है, हर किसी को पता है कि अगर कोई आंकड़ा जारी किया गया है और बाद में उसकी फसल खराब हो जाती है भारी बारिश से, तो उत्पादन के आंकड़े भी कहीं ना कहीं थोड़े कम भी होते नज़र आएंगे। वहीं से इस ओमिक्रॉन जो आया है उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है भारत का, भारत के निर्यात में भी असर पड़ा है, डिमांड में असर पड़ा है, निर्यात मांग में वो थोड़ी कम हुई है, जिसके वजह से हमने इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ता हुआ देखा है। चीन की तरफ से सोयाबीन की डिमांड कम हुई है, चाइना अब ब्राज़ील के पोर्ट से सोयाबीन की खरीद फरोख्त ज़्यादा कर रहा है, और वायदा में सोयाबीन वायदा में 5% एडिशनल मार्जिन से भी इसकी कीमतों पर कहीं ना कहीं दबाव बनता नजर आया। लेकिन किसान अभी भी पूरी पूरी मेहनत करने में लगे हैं कि स्टॉक करके रखा जाए और जब तक दाम लगभग 15,000 ना हो जाए तब तक उसको ना बेचें, ऐसा भी किसानों का कहना है। हमारे वीडियोज़ पर
मैंने उनके कुछ कमेंट्स भी पढ़े हैं जिनके कुछ किसानों का कहना था कि कम से कम 12 से 15 हज़ार का जो दाम है वो मिलना ही चाहिए। अगर किसानों की इस बात पर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं किसान गलत भी नहीं है, किसान भी सही है, क्योंकि किसानों ने लगभग 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन का महंगा बीज खरीद कर बुआई करी थी, और बुआई करने में खाद की आवश्यकता पड़ती है, पानी की होती है, फिर लेबर की कॉस्टिंग लगती है, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, उसको एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो उसकी भी जो लागत है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, और ऊपर से पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो भी लगातार बढ़ ही रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनकी लागत निकलना भी मुश्किल हो रही है। हाल फिलहाल में जो कीमतें बनती नज़र आ रही हैं ये किसी किसी मंडी में हमने 8 हज़ार तक भी जाते हुए देखा है, तो उसमें भी किसानों का कुछ ये कह सकते हैं कि किसानों को कुछ कीमतें सुधर कर मिलना शुरू हुई हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकती कि किसानों की लागत निकल गई है, क्योंकि बीज ही जब 10 हज़ार रुपये क्विंटल का है तो 8 हज़ार रुपये क्विंटल का भाव मिलने पर किसानों को अभी भी नुकसान ही है, इसलिए किसान ज़्यादातर अभी होल्ड करके ही चल रहे हैं। उधर पोल्ट्री इंडस्ट्री लगातार सरकार को चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रही है कि जो सोया DOC का जो आयात है उसकी अवधि बढ़ाई जाए, आयात सोया DOC की आयात अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन किसान भी लगातार जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है और सरकार है उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब सोयाबीन किसान बुआई के समय 10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुआई कर रहा था, तो क्या तब सरकार सोयाबीन का इम्पोर्ट नहीं कर सकती थी कहीं से? क्या तब पोल्ट्री को ध्यान नहीं आया था कि उसको आगे जाके सोयाबीन की ज़रूरत पड़ेगी पशु चारे के लिए? और अगर तब आयात हो जाता, तब वक्त रहते, अगर सही समय पर इसका आयात होता, तो ये हालात पैदा ना होते।